गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ 4 स्ट्रैंडेड ब्रेड, 3 स्ट्रैंडेड ब्रेड, 2 स्ट्रैंडेड रोप ब्रेड और 2 स्ट्रैंडेड फिशटेल ब्रेड शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ और भी हेयर स्टाइल शेयर किए हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने हेयर स्टाइल और अपनी सबसे पहली रोप ब्रेड। सबसे पहले आपको अपने हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद इस वाले स्ट्रैंड को ट्विस्ट, देन उसके ऊपर से लेफ्ट स्ट्रैंड लानी है, देन अगेन ट्विस्ट, अगेन टर्न, देन ट्विस्ट, क्रॉस इट ओवर एंड ट्विस्ट। सेम पैटर्न हमें एंड तक अप्लाई करना है। जस्ट ट्विस्ट योर स्ट्रैंड एंड क्रॉस इट ओवर, अगेन ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न। हमें एंड तक यही पैटर्न अप्लाई करना है और लास्ट में हमें इलास्टिक रबर बैंड की हेल्प से अपनी ब्रेड सेव कर लेनी है। और हमारी ब्रेड थोड़ी वॉल्यूमिनस लगे उसके लिए हम इसको थोड़ा इस तरह से पुल कर लेंगे, जिससे हमारी ब्रेड थोड़ी हैवी लगेगी। और एंड में आप अपनी पसंद की किसी भी एसेसरी के साथ अपनी ब्रेड को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेड है हमारी फिशटेल ब्रेड, ये भी हमारी 2 स्ट्रैंड ब्रेड है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद हर एक सेक्शन में से छोटी छोटी स्ट्रैंड लेके नेक्स्ट सेक्शन में मर्ज करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक थिन स्ट्रैंड लेनी है एक सेक्शन में से और उसको दूसरी साइड मिला देना है, अगेन एक थिन स्ट्रैंड लेनी है और उसको दूसरी साइड मर्ज कर देना है। सेम प्रोसीजर हमें एंड तक अप्लाई करना है। ये फिशटेल ब्रेड मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है अपनी पुरानी वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से फिशटेल ब्रेड बनानी है। ये ब्रेड आप हर ड्रेसेस के साथ बना सकते हैं, जीन्स टॉप के साथ, सूट के साथ, साड़ी के साथ भी आप इस ब्रेड को बना सकते हैं। ये हमेशा ट्रेंड में रहती है और बहुत ही यूनिक लुक देती है। फिशटेल ब्रेड को हम खजूरी चोटी भी कहते हैं। और अब ये मेरी ब्रेड कंप्लीट हो गई है और इसको इलास्टिक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे और इसको थोड़ी वॉल्यूमिनस लुक देने के लिए थोड़ा लूज़ कर लेंगे ताकि हमारी ब्रेड थोड़ी हैवी लगे। और लास्ट में अपनी पसंद की एसेसरीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे और ये है हमारी फाइनल लुक फिशटेल ब्रेड की। नेक्स्ट है हमारी 3 स्ट्रैंड ब्रेड या फिर डच ब्रेड। नॉर्मल हम पहले 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाएंगे, जिसमें हमें अपने बालों को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद लेफ्ट सेक्शन को मिडिल में लाना है और उसके बाद राइट सेक्शन को मिडिल में लाना है। ये हमारी 3 स्ट्रैंड रेगुलर ब्रेड है। और अब मैं आपको बताती हूँ डच ब्रेड कैसे बनानी है। इसमें भी आपको अपने बालों को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद राइट स्ट्रैंड को नीचे से मिडिल में लाना है और फिर लेफ्ट स्ट्रैंड को नीचे से मिडिल में लाना है। नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड में हम ऊपर से अपनी स्ट्रैंड को मिडिल में लाते हैं और डच ब्रेड में हम नीचे से अपनी स्ट्रैंड को मिडिल में लाते हैं और उसके बाद नॉर्मल रेगुलर ब्रेड की तरह बना लेते हैं। और ये हमारी डच ब्रेड रेडी है, आप देख सकते हैं। और एंड में हम इसको इलास्टिक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। दिस इज़ द फाइनल लुक। और अब हमारी लास्ट एंड फोर्थ ब्रेड है 4 स्ट्रैंडेड ब्रेड, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है और दोनों मिडिल वाले स्ट्रैंड को राइट टू लेफ्ट लाना है और फर्स्ट स्ट्रैंड को सेकंड स्ट्रैंड की जगह लाना है, उसके बाद फोर्थ स्ट्रैंड को ऊपर से थर्ड स्ट्रैंड की जगह लाना है। मैंने बहुत स्लोली प्रोसेस किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले थर्ड स्ट्रैंड को नीचे से सेकंड स्ट्रैंड की जगह लाना है, फिर फर्स्ट स्ट्रैंड को नीचे से सेकंड स्ट्रैंड की जगह लाना है और फिर फोर्थ स्ट्रैंड को ऊपर से
थर्ड स्ट्रैंड की जगह लाना है। हमें टू स्ट्रैंड्स को नीचे से और थर्ड स्ट्रैंड को ऊपर से लाना है। हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट स्ट्रैंड जो हमारी आएगी वो हमें नीचे से क्रॉस करनी है, उसके बाद जो हमारी स्ट्रैंड आएगी वो भी हमें नीचे से क्रॉस करनी है, और जो हमारी लास्ट स्ट्रैंड आएगी वो हमें ऊपर से क्रॉस करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, रिपीट करके मेरी वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इस ब्रेड को इजीली बना पाएंगे। यह हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। अब इसको आप अपनी अकॉर्डिंग एक्सेसरी से डेकोरेट कर लें, और ये है हमारी फाइनल लुक फोर स्ट्रैंड ब्रेड की। सो गर्ल्स, ये थी मेरी फोर स्ट्रैंडेड, थ्री स्ट्रैंडेड, टू स्ट्रैंडेड रोप ब्रेड एंड टू स्ट्रैंडेड फिशटेल ब्रेड। और जाने से पहले मेरे इस चैनल और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।